नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगोर। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक टॉपिक, और उस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, ज़्यादा देर नहीं करते। आज एक टॉपिक है, एक कहावत है एक्चुअली, कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं कि भाई हर कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है। सही कहा मैंने, लेकिन आज ये मैं उल्टा कर देती हूँ कि भाई हर पुरुष के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत तो होती है, लेकिन क्या एक औरत की कामयाबी के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है? चलिए मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि भाई आपने अपनी लाइफ में, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कोई उपलब्धि प्राप्त की है, तो आप उस उपलब्धि का श्रेय किसे देना चाहेंगी? क्या कोई आपके उस उपलब्धि के पीछे कारगर सिद्ध होकर के खड़ा रहा है? मैं हूं ना जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए किया गया है। तो चलिए आज इसी बात पर हम डिस्कशन करते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यह बात तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन एक औरत की कामयाबी के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है कि हर कामयाब औरत के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ हो, एक महिला का हाथ भी हो सकता है। जैसे एक औरत की कामयाबी का मतलब होता है कि एक औरत की कामयाबी बिजनेस वुमेन बनना ही नहीं होता, फेमस बनना ही नहीं होता। जब औरत अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तो घर के कामों के साथ साथ बाहरी दुनिया के काम भी संभालने लगती है, सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगती है, तो वो औरत कामयाब कहलाती है। लेकिन सबसे पहले उस कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? वो होती है आपकी माँ। जी हाँ, हमारी कामयाबी का जो पहला श्रेय है वो हमारी माँ को ही जाता है। ये हमारे जीवन की वो महिला है जो न जाने कितने संघर्ष करती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, कितने लोगों से लड़ जाती है, अपनों का सामना करते में वो कतराती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी को आगे बढ़ते देखना चाहती है। वो उसे घर के कामों से भी दूर रखने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तू जा, मैं हूँ ना, तू जा अपनी ऊंचाइयों को छू, मैं हूँ ना। वेल, माँ इकलौती एक ऐसी औरत होती है हमारी जिंदगी में जो हमेशा ताउम्र हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वो किसी की भी तुलना की हकदार नहीं है, क्योंकि कोई इंसान उससे तुलना कर ही नहीं सकता। उसके बाद दोस्त, फैमिली चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं होता, लेकिन दोस्त आप अपने हिसाब से बनाते हो, अपनी पसंद से बनाते हो। ऐसा रिश्ता है जो आप अपनी मर्जी से बनाते हो। माँ बाप के अलावा अगर कोई आपका सबसे ज़्यादा साथ देता है तो वो है आपके दोस्त। एक औरत की ज़िंदगी में उसकी गर्ल, उसकी बेस्टी सबसे बड़ी मेंटोर हो सकती है। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो सबसे पहले आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की सलाह लेना पसंद करते हैं। जब भी आप ऐसी दुविधा में होते हैं कि भाई अब मैं आगे क्या करूं, तो आप सोचते हैं काश मेरी वो दोस्त होती जो मुझे सलाह देती। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप के बाद आपको विश्वास होता है कि वो मुझे गलत सलाह नहीं देंगी, वो मेरी लाइफ में हित ही चाहती है। और आपकी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा हक मेंटोर का होता है, क्योंकि भगवान के बाद दूसरा इंसान गुरु ही कहलाता है। एक औरत बतौर टीचर सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करती, वो अपने स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करती है, उन्हें सही गलत में फ़र्क समझाती है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सिखाती है। हालांकि सभी टीचर्स आज के ज़माने में ऐसा नहीं होते, आजकल तो पढ़ाना एक धंधा हो गया है, लेकिन यह बात भी एक सच है कि भाई अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है तो उससे बढ़कर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। चलिए आज मैं उस सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन का नाम लेना चाहूँगी जो एक औरत की कामयाबी में हाथ देता है। वेल, आज मैं बात करना चाहूँगी कि भाई शादी से पहले तो हर माँ बाप अपनी बच्ची को पंख देते हैं, उड़ाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाते हैं, लेकिन क्या शादी के बाद वो संभव हो पाता है? तो शादी के बाद वो तब ही संभव हो पाता है जब आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर आपके हर एक कदम में आपका साथ हो। वहाँ पर उस इंसान की ईगो नहीं आनी चाहिए कि भाई
मैं कमाना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम घर पर रहो, घर के काम करो, बच्चे संभालो, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमने कितनी एजुकेशन ली है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती हो, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये है कि तुम चूल्हा चौका संभालो, फिर अपने बच्चों को संभालो और फिर मेरे पेरेंट्स को संभालो, मेरे रिश्तेदारों को संभालो और बाकी सब मैं संभाल ही लूँगा। पर यहाँ मैं बोलना चाहूँगी कि वो औरतें बहुत लकी होती हैं जहाँ पर उसका जीवन साथी उसका साथ देता है, जो हर पल यह कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ ना। यह इस घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। इस घर में सारे काम तुम्हारे माथे पर नहीं है, मेरे भी हैं। इस घर में बच्चों को संभालने का काम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। यह तभी संभव हो पाता है जब आपका जीवन साथी यह कहता है कि तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ एक औरत पर नहीं होती। आज की औरत पढ़ी लिखी है, जितनी शिक्षा एक मर्द प्राप्त करता है उतनी ही शिक्षा एक औरत भी प्राप्त करती है। जब वो भावनात्मक तरीके से अपने घर को इतना अच्छे से मेंटेन कर सकती है, अपने बच्चों को मेंटेन कर सकती है, तो क्या वो बाहर जाकर के प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकती? लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर औरतों को सिर्फ यह कहकर नकार दिया जाता है कि तुम औरत हो और तुम्हें सिर्फ अपना घर संभालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में अगर पुरुषों की तुलना में औरतें ज़्यादा काम कर रही होती तो आज हमारा देश डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता। क्योंकि एक औरत हर जगह अपना 100% देती है, सेल्फ लेस होकर के काम करती है, चाहे वो उसका प्रोफेशन हो या फिर चाहे वो उसका घर हो। बस फ़र्क ये होता है कि एक पुरुष को तो आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक औरत को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता। एक औरत वहीं अपने पीछे कदम खींच लेती है जहां उसे महसूस होता है कि अगर इस दहलीज से बाहर रख के कदम मेरे घर को तोड़ दें तो इससे बेहतर है कि मैं इस दहलीज में ही कैद होकर रह जाऊँ। आज का समय बदल गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 80% से भी ज़्यादा ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कोशिश करती हैं कि अपनी बहुओं को आगे बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं, जैसे वो अपनी बेटियों के लिए सोचती हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं, कुछ समाज ऐसे हैं, कुछ पिछड़े हुए लोग ऐसे हैं जो आज भी यह सोचते हैं कि नहीं, एक औरत जो है वो बस घर की दहलीज तक ही सीमित रहना चाहिए उसे। तो एक औरत अगर कामयाब होना चाहती है तो उसमें उसके जीवन साथी का बहुत 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 बड़ा महत्व होता है। और अगर ऐसा जीवन साथी आपके पास भी है तो भगवान से पहले आप उसे धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो आपकी नैया का खेवैया है। आई होप सो कि मेरा यह टॉपिक आपके दिल तक ज़रूर उतरा होगा, और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय, अलविदा।